वालेकुम जी क्लास नाइन्थ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रो केमिकल सेल अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या इसके सेल। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो का मतलब है इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का रोल है केमिकल का मतलब इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं और सेल का मतलब सेल तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजार के आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो या केमिकल रिएक्शन हो के वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो दो काम हो सकते हैं या आप उसको करंट दे रहे हो या वो आपको करंट दे रहे हैं अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता कैसे है कि ये आपका एक बेसन होता है ये यहाँ तो बना होता है वुड का या ये बना होता है ग्लास का यहाँ ये बना होता है सीमेंट का ठीक है आजकल प्लास्टिक के भी चल रहे हैं इसमें आप क्या करते हो इसमें आप दो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड्स को लटका देते हो यानी कि मेटल की दो प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं एक ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया एक ये इलेक्ट्रोड लगा दिया और लगाने के बाद आप ना इसको एक बैटरी के साथ अटैच करते हो इस तरह से तो ये हमने इनको अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ अब आपके इलेक्ट्रोड का वो 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 इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे कहते हैं एनोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और आपका वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे कहते हैं कैथोड और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसके बाद आप क्या करते हो एक सोल्यूशन यूज करते हो जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यहाँ पर आप एक सोलूशन यूज करते हो जिसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रो लाइट सोल्यूशन ये किसी भी सोल्ड का सोलूशन होता है जिसमें या एसिड का सोल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास हो सकता है तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक होता है गलवेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल आप इलेक्ट्रिसिटी गुजार के केमिकल रिएक्शन करवाते हो और गलवेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है अब नंबर वन हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ठीक है अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब को कहते हैं कि या तो अगर उनको पानी में डाल दो ठीक है या उनका सॉल्यूशन बना दो कौन सा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन या आप उनको पिघला दो पिघलाने के बाद आप उनमें से करंट गुजारो तो उनमें से करंट क्या हो जाए पास हो जाए और वो आयोनाइज हो जाए अपने आइनज़ में तहलील हो जाए ठीक है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं ऐसे सब सांसिस जिनको पिघला कर या उनके सोल्यूशन में से जब करंट गुजारो तो उनमें से करंट पास हो जाता है इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एन ए सी एल आपका एन एच आपका एच टू एस ओ फोर इनको पानी में डाल दो इसको पिघला दो तो इनमें से इजीलि करंट पास हो जाता है अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं आपकी बुक में दो तरह के होते हैं मेनली मैं दो तरह के ही कहूँगा तीन तरह के आपके बुक में लिखा हुआ है क्योंकि तीसरी जो है वो टाइप नहीं बनती है। वो बनती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में वैसे लाना भी नहीं चाहिए नंबर वन है आपके स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट और नंबर टू है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को जिनमें से जब करंट गुजारा जाता है तो वो क्या होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट में से जब आप करंट गुजारते हो तो ये कम्पलीटली आयोनाइज होते हैं नहीं? हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल आपका एन जो है वो आपका स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है आपका एच टू एस ओ फोर आपका स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है अगर हम इसकी इक्वेशन के थ्रू कोई एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं एन लिया आपने और इसको आपने पानी में डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव तो देखो ये अपने दोनों के दोनों आइन्स में कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया टूट गया इसे कहते हैं कम्प्लीट जो है कम्पलीट आयोनाइजेशन और इसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जिनमें से जब करंट गुजारा जाए तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते ठीक है इन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एस टिक एसिड है सी एच थ्री सी ओ ओ एच इसमें से जब आप पानी में इसको डाल के करंट पास करोगे या सिंपल था आप इसमें वैसे ही करंट पास करोगे तो क्या होगा ये बनेगा आपके पास देखो अब मैं पानी में डाल के इसमें से करंट पास करूँ तो ये बनेगा सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव तो देखो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हुआ ही नहीं इसको देखो वैसे का वैसे है इसको देखो तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए इसलिए हम कहते हैं ये है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते और तीसरी तीसरी चीज आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइज ऐसी चीज जिसमें से जो करंट है वो गुजरता ही नहीं यानी कि जिनको पिघला लो या उनके एक्वा सोल्यूशन में से करंट पास करोगे तो वो करंट इनमें से गुजरेगा ही नहीं उन्हें हम कहते हैं ये हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल आपका शुगर सॉल्यूशन चीनी का सॉल्यूशन में करंट नहीं गुजरेगा आपकी बेंजीन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है बेंजीन का इसमें से नहीं गुजरता ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मतलब इनमें से किसी भी हालात में करंट नहीं गुजरा होता ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन था अब लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और पेपर में इनमें से जो सबसे ज्यादा बार एम सी आया हुआ है वो तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में से आया हुआ है शुगर सोल्यूशन वाला कि शुगर सोल्यूशन जो है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको बताना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और जो इनमें से एम, एक, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एम सी क्यूज हर साल पेपर में आता ही आता है तो इसको अच्छे तरीके से तैयार